असलम दोस्तों एन एम डी गड बिगा मैं आपको खुशामदीदी कहती हूँ अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स फेलोज और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर यहां जो हम टी चीज डिस्कस करने जा रहे हैं वी नील का हाइपोथेसिस है इस वेन नील ने कहा है कि प्लांट्स स्प्लिट करते हैं वाटर को एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन रिलीजिंग द ऑक्सीजन एज अ बायो प्रोडक्ट तो वो प्लांट कैसे स्प्लिट करते हैं वाटर को एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन नॉट एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन क्योंकि ऑक्सीजन इसमें बायो प्रोडक्ट होता है एम सीक्यूज नंबर सेवेंटी है कि नील हाइपोथेसिस किस पे बात पे बेस करता है उसने कहा कि इज इन्वेस्टिगेशन इसकी इन्वेस्टिगेशन किस इस बात पर डिपेंड करती हैं इस इवेस्टिगेशन दोटोसाइन इन बैक्टीरिया दट मेक द कार्बोहाइड्रेट्स फ्राम कार्बन डाइऑक्साइड बट नॉट रिलीज द ऑक्सीजन उसने कहा कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स बना देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से लेकिन वो ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करते हैं एमसी यू जब सेवेंटी वन में कहा जा रहा है कि नील्स हाइपोथिस दैट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसाइथिस वाटर एंड नॉट द कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का जो सोर्स होता है इस हाइपोथिस में वो वाटर है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है ये सोर्स ये कन्फर्म किया है साइंटिस्ट ने इन 40 में जब ये बात हमने आइसोट्रोपिक ऑक्सीजन को फर्स्ट टाइम यूज़ किया था अपनी रिसर्चेज में अपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में आगे नील के हाइपोथेसिस को ये के की उस तो नहीं है लेकिन नील के हाइपोथेसिस को आ, या नील की इन्वेस्टिगेशन को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है उसने क्या कहा कि वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग द हैवी आइसोटोप वाज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी 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 में हमने वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर कर लिया जिनके पास हैवी थे फिर कहा क्या कहा कि एक्सपेरिमेंटल ग्रीन प्लांट इन वन ग्रुप वो सप्लाइड विद वाटर एक हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल प्लांट था जो एक्सपेरिमेंट में हमने प्लांट यूज किया तो उसको हमने वाटर प्रोवाइड किया गया जिसके पास ऑक्सीजन ओ एटीन थी और कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो कॉमन ऑक्सीजन था ओ सिक्सटीन की फॉर्म में फिर देखिएगा जरा जो प्लांट सेकंड ग्रुप में रखा गया है उसको भी हमने वाटर प्रोवाइड की लेकिन उसके पास कॉमन ऑक्सीजन था ओ सिक्सटीन और इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो एटीन की फॉर्म में थी यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ओ सिक्सटीन की फॉर्म में थी यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ओ एटीन की फॉर्म है यहां पर वाटर ओर सिक्सटीन की फॉर्म है यहाँ पे वाटर ओ एटीन की फॉर्म है दोनों का कंपेयर किया तो रिजल्ट निकला कि जो फर्स्ट ग्रुप में प्लांट्स थे ना उन्होंने ओ एटीन प्रोड्यूस किया लेकिन सेकंड ग्रुप वाले प्लांट्स ने ओ एटीन को प्रोड्यूस नहीं किया ये हमारे पास रिजल्ट तो निकला था इस हाइपोथेसिस का इससे हमारे पास ये बात साबित होती है कि वाटर जो हमारे पास एक रॉ मटेरियल है फोटोसाइथिस का अदर बिंग कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दूसरा रॉ मटेरियल है हमारे पास फोटोसाइथिस का हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस हुआ है जो वाटर को स्प्लिट करने से उसने एन डी पी को रिड्यूस किया एन डी पी एच टू में यानी वो हाइड्रोजन जो है वो वो एन डी पी को मिल गया वो व डी पी टू एच टू बन गया है एन डी पी एच टू जो है वो एक रिड्यूसिंग पावर है अंग विद ए टी पी और ये जो है वो लाइट रिएक्शन के दौरान पर भी बनी थी और वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में यूज हुई है डार्क रिएक्शन में ये जो एक पच आपके पास बताई जा रही है एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो लाइट रिएक्शन के बारे में ओवरऑल मील का हाइपोथिस यहीं तक कंप्लीट हो जाता है एम सी नंबर आपके पास 72 ये है कि कैलवन साइकिल जो है वो साइक्लिक सीरीज ऑफ रिएक्शन है इसके पास इन्जाइम्स भी मौजूद होते हैं इन्जाइम्स की मौजूदगी में कैलवन साइकिल चलती है इसमें कार्बन फिक्स्ड भी होती है और रिड्यूस भी हो जाती है और आखिर में हमारे पास शुगर बनता है इस डार्क रिएक्शन में तो ये कैलवन साइकिल को एक छोटे से पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया गया है एम नंबर सेवनटी में कहा जा रहा है कि कार्बन फिक्सेशन जो होती है वो रेफर करती है इनिशियल इनकॉर्पोरेशन ऑफ इनकारेश्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक मटीरियल कार्बन फिक्सेशन का मतलब यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ऑर्गेनिक मेटीरियल में इनकॉर्पोरेट हो जाए यानी मिक्स हो जाए सेवेंटी फोर में आपके पास ये बताया जा रहा है कि कैलवन साइकिल में थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं जस्ट टू प्रोड्यूस वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो, जो है, वो है की फॉर्म में है ट्रायोज एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट की देना आपके पास एम सी क्यूज नंबर सेवेंटी फाइव ये है मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन द क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में सबसे अबेंडेंट प्रोटीन या पूरे प्रोटीन जो सबसे प्रोटीन का पोर्शन जमीन पर मौजूद है उसमें सबसे अबेंडेंट प्रोटीन कौन सा है वो रूबिसको है एम सी क्यू नंबर सेवेंटी सिक्स में कहा जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो राइबलोज बिस्फोसफेट के साथ कंबाइन करते हैं और इसका जो प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और राइबलोज बिस्फोसफेट के साथ कंबाइन करने से जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट जो है वो हाईली अनस्टेबल होता है एमसीक्यू नंबर सेवन सेवन में आपके साथ ये डिस्कस किया जा रहा है कि कार्बन दैट वॉज ऑरिजिनली द पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल वो कार्बन जो शुरू में जो कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल का हिस्सा था अब वो ऑर्गेनिक मोलिकूल का हिस्सा बन गया है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑर्गेनिक मोलिकल में मिक्स हो गई है इनकॉर्पोरेट हो गई है और कार्बन हमारे पास फिक्स हो जाती है एमसीक्यूज नंबर सेवेंट एट में आपके पास कहा जा रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ वन थ्री बिग्लाइसरेट इज रड टू रिलीजिंग द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड फ्रॉम द एन डी पी एच ऑफ द लाइट रियक्शन उसने कहा कि वन थ्री बिग्सरेट को ग्लाइसराइल में कन्वर्ट किया गया है और इलेक्ट्रॉन्स इसके लिए कहां से रिसीव किए गए हैं एन एड पी एच और एन ए डी पी एच वो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट था एम सी क्यूज नंबर सेवन सेवन नाइन में बताया जा जाकर जो ग्लाइसरल डिहाइड थ्री फोस्फेट का कैलवन साइकिल में मौजूद है वो सेम थ्री कार्बन शुगर उसके पास भी थ्री कार्बन वाला ग्लाइसरल डिहाइड ही मौजूद है क्योंकि ग्लाइकोलिस में जब हमने ग्लाइसरल डिहाइड्री फोस्फेट मैंने आपके पास स्प्लिटिंग एम सी क्यूज नंबर एम सी क्यूज ने स्टेप नंबर फोर डिस्कस किया था एम सी क्यूज में आपके साथ ग्लाइकोलिसिस का तभी मैंने बताया था कि वहाँ पर ग्लाइसरल डिहाइड जो है वो भी थ्री कार्बन है तो यहाँ पर भी ग्लाइसिरल डिहाइड जो है वो थ्री uh, कार्बन के साथ ही मौजूद है एम सी क्यूज नंबर एटी के फिक्स कार्बन इन कल्वन साइकल रेड्यूस टू तो एनर्जी रिच ग्री फॉस विद एनर्जी एंड एन रिड्यूसिंग पावर ऑफ एटीपी एंड फिक्स कार्बन जो है वो रिड्यूस हो जाती है में और विद्स ऑफ लाइट रिएक्शन ठीक है एम नंबर एटी वन में आपके साथ कहा जा रहा है कि एक्चुअली जो ग्लाइसर डर थ्री फॉसफेट है वो ग्लूकोस नहीं है बल्कि वो एक कार्बोहाइड्रेट है और वो कैलवन साइकिल में डायरेक्टली प्रोड्यूस हो चुका है एमसीक्यू नंबर एटी टू में कहा जा रहा है फॉर एवरी थ्री मोक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाई के हर थ्री मोक्यूल्स के लिए जो एंटर हो रहे हैं साइकिल में और कंबाइन हो जाते हैं वो थ्री मोलिकूल्स ऑफ रॉबलोस बिस्फोस्फेट के साथ तो प्रोड्यूस करते हैं थ्री है, आपके पास सिक्स मोलिकूल्स ऑफ जी याद रखिएगा राइब्लोस बिसफोसफेट फाइव कार्बन शुगर है लेकिन इसके हमने तीन मोलिक्यूल्स यूज़ किए हैं एमसीक्यू नंबर एटी में बताया जा रहा है कि मॉलिक्यूल्स बनते हैं लेकिन सिर्फ एक मॉलिक्यूल्स हमारे पास G3P का जो है वो प्लांट को लीव कर वो हमारी साइकिल को लीव करता है वो एक मॉलिक्यूल जो है वो प्लांट्स यूज करते हैं उससे ग्लूकोस बनाते हैं सुक्रोज बना सकते हैं या वो स्टोर हो सकती है नंबर 84 में आपके साथ कहा जाता है कि डार्क रिएक्शन जो होता है वो स्ट्रोमा रीजन में अकर होता है एम सी नंबर आपके पास एटी फाइव ये डार्क रिएक्शन जो होते हैं उनकी लाइट नहीं चाहिए होती क्योंकि वो एबसेंस या प्रेजेंस ऑफ लाइट दोनों में अगर हो सकते हैं और वो एजुमिलेटिंग पावर प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एट पी और एन एड पी एच ठीक है एम सी यू नंबर एटी सिक्स में कहा जा रहा है कि ए टीपी और एन ए डी पीएच की जो एनर्जी होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए यूज की जाती है इन द डार्क रिएक्शन में एमसी की यूज नंबर एटी सेवन में कहा जा रहा है कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोस्फर में जो एट पी को बनाने का मैकेनिज्म है उसे हम केमीओस्मोसिस कहते हैं एम सी यूज नंबर एटी एट है कि वो प्रोसेस है जिसको हम जिसमें हम मेम्ब्रेन्स को यूज करके और रिडॉक्स रिएक्शन के साथ कंबाइन होकर एटीपी को प्रोड्यूस कर सकते हैं एमसीक्यू नंबर 89 ये है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो प्रोटॉन को पंप करती है थैलाकॉड स्पेस और फोटोसिंथेसिस के केस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थैलाकॉड स्पेस में इलेक्ट्रॉन को रिलीज करती है एमसीक्यू नंबर 19 ये है uh, 90 ये है कि एनर्जी यूज्ड फॉर पंपिंग द प्रोटॉन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अक्रॉस मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन कम्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स मूविंग थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये जो पंप हो रहे हैं प्रोटॉन ये कहां आएं, electron transport chain से आए हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए से आए हैं ये एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेडियंट अक्रॉस मेम्ब्रेन ग्रेडियंट जो है वो स्लोप को कहते हैं एमसीक्यूज नंबर 92 में कहा जा रहा है कि नेक्स्ट एचपोजिटिव आइंस मूव ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू द स्पेशल कॉम्प्लेक्सेस कॉल्ड द एटीपी सिंथेस एटीपी सिंथेस वो एंजाइम है जो एटीपी को बनाने के लिए यूज किया जाता है और इसके जरिए से हाइड्रोजन आइनज जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से नीचर मूव करते हैं एमसीक्यूज नंबर 93 में कहा जा रहा है कि एटीपी सिंथेस आर बिल्ट इन द मिब्रेन मेम्ब्रेन एटीपी सिंथेस जो है वो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में बिल्ट होते हैं एमसीक्यूज नंबर